राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है धनुष के ऊपर होगी। जन्म जो है 28 जुलाई 1983 को। धनुष का असली नाम जो है वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है। धनुष भारतीय सिने अभिनेता हैं। उसके साथ ही वे निर्माता, गीतकार, पार्श्व गायक भी हैं। मूल रूप से जो है वे तमिल फिल्मों में जो काम करते हैं। उन्हें फिल्म आदुकलम के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तब मिली जब उनका गाया हुआ गाना वाई दिस कोलावरी डी यूट्यूब पर छा गया था और वे सेंसेशन बन गए थे। उस समय यह गाना बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ा था। उस गाने के बाद से ज़्यादातर लोग उन्हें जानने लगे। धनुष को जो साल 2019 में आई फिल्म असुरन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। धनुष का जन्म जो तमिल फिल्मों के निर्देशक और निर्माता कस्तूरी राजा के घर पर हुआ था। उनके भाई निर्देशक सेलवारागवन के कहने पर उन्होंने फिल्मों की तरफ जो रुझान किया। वे दक्षिण के जो है सुपरस्टार रजनीकांत के दामाद भी हैं। उनकी शादी ऐश्वर्या से हुई जो सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी हैं। उनके दो बच्चे हैं यात्रा और लिंगा। और लिंगा के ऊपर जो एक फिल्म भी आई थी रजनीकांत की, वो जो आप जाकर यूट्यूब वगैरह पे देख सको। उनके करियर की शुरुआत जो फिल्म थोलो वेदो इलीमाई फिल्म से हुई थी, जिसे ज़्यादातर आलोचकों और जनता ने सराहा था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में और काम किया और अपने अभिनय का जो जलवा दिखाया। हिंदी फिल्मों में उसकी शुरुआत रांझणा से हुई, जिसमें जो उन्होंने दिल जीत लिया। आप एक बार जाके फिल्म ज़रूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगा तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करें।